यूपी पुलिस की लापरवाही के किस्से एक नहीं बहुत हैं। उनकी लापरवाही के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी लापरवाही तो इतनी है कि लोग ये कहने लगते हैं कि यूपी पुलिस है तो भैया लापरवाही का एक बेहतर और बड़ा नमूना है। उसकी वानगी यूपी में कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे सवाल हैं। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। असल में यूपी पुलिस की ट्रांसफर लिस्ट से जुड़ा है। इस लिस्ट में यूपी पुलिस ने एक ऐसे डिप्टी एसपी का भी तबादला कर दिया जिनका कुछ वक्त पहले ही निधन हो चुका है। इस मामले के सामने आने के बाद यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने माफी भी मांग ली है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई। ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ आखिर कैसा अपना पुलिस का महकमा चला रहे हैं। आखिर क्यों पुलिस महकमा योगी आदित्यनाथ की किरकिरी करने में लगा हुआ है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भीड़ द्वारा पुलिस वालों को मार दिया जाता है। वहीं योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर लिखते हैं कि उनके 2 साल के शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। अगर दंगा नहीं हुआ तो फिर बुलंदशहर वो क्या था, वहीं कासगंज में जो हुआ था वो क्या था। ये सवाल हैं जो योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। SPN9 न्यूज़ की रिपोर्ट।